यामिनी पूछ पड़ती है, फिर इंद्रदेव ने क्या कहा? रज्जन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, वो क्या कहते यामिनी बेटी, उन्हें तो मेरी बात माननी ही थी। आखिर उन्हें भविष्य में अपना राजपाट जो बचाना था वो मेरी बात मान गए। उन्होंने मेरे लिए पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक को जोड़ने वाली वो सीढ़ियां उजागर कर दी जो कि लुप्त थी, और फिर उन्हीं सीढ़ियों की मदद से मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर आ गया। पर मेरे यहाँ आते ही उन्होंने उन सीढ़ियों को दोबारा लुप्त कर दिया, ताकि कोई और ना ही स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आ सके, ना ही पृथ्वीलोक से कोई मनुष्य स्वर्गलोक जा सके। इतना कहकर रज्जन फिर चुप हो जाता है। यामिनी अगले ही पल रज्जन से पूछ पड़ती है, जब आप यहाँ पृथ्वीलोक पर आ गए उसके बाद क्या हुआ बाबा? जैसे ही यामिनी रज्जन से ये सवाल पूछती है, रज्जन के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले इंद्रदेव से अपनी बात मनवाने का गुरूर आया था, वो वापस से गायब होने लग जाता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट अलग ही नजर आने लग जाती है। यामिनी रज्जन पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताइए बाबा, पृथ्वीलोक पर आ जाने के बाद क्या हुआ था? माने क्यों आपको श्राप दिया था? इतना कहकर यामिनी अपनी नजरें रज्जन पर गड़ा देती है। सिर्फ यामिनी ही नहीं, युग ने भी अपनी नजरें रज्जन पर गड़ाई हुई थी। वो भी बहुत बेताब हो रहा था रज्जन के मुंह से इस सवाल का जवाब सुनने के लिए। इस तरफ मेघालय की सीमा पर अनुराग तारा के साथ खड़ा हुआ था। अनुराग का पूरा बदन काला पड़ चुका था और उसकी आंखें पीले रंग में चमक रही थी। तारा तो नजर आ रही थी, पर अनुराग के पास वो बॉटल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी जिसके अंदर कामेश्वरी यक्षिणी कैद थी, जिसे वो ग्रेवयार्ड कोठी से अपने साथ लेकर निकला था। अनुराग तारा से डरावनी आवाज में कहता है, जानती है तारा हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तारा रोते हुए कहती है, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, चुप कर, ये क्या जब से तूने माँ माँ लगा रखा है? अगर अब तूने एक बार भी माँ बोला तो जिस तरह मैंने तेरी आंखें निकाली हैं, उसी तरह तेरी जुबान भी निकाल लूंगा, फिर उसके बाद तू कुछ नहीं बोल पाएगी। अनुराग की बात सुनकर तारा घबरा जाती है और एकदम चुप हो जाती है, फिर कुछ नहीं बोलती है। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुई ना बात तारा, अब ऐसे ही चुप रहना और उसी बात का जवाब देना जो मैं पूछूं। अगर तूने फिर कुछ और भी कहा तो उसका अंजाम क्या होगा तू अच्छे से जानती है। हाँ, तो कहाँ पर था मैं? हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा था कि तू जानती है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तारा डर से सहमे हुए चुप ही रहती है। अनुराग हंसते हुए बोल पड़ता है, अरे मैं भी तुझसे ये क्या पूछ रहा हूँ, तुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा कि इस वक्त कहाँ पर है, तो तू कैसे बता सकती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तारा अभी भी चुप खड़ी रहती है। अनुराग फिर से बोल पड़ता है, चल मैं ही तुझे बता देता हूँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अगले ही पल अनुराग कुछ गुस्से के साथ कहता है, वो महाडायन चित्रा तो चली गई, पर उसके बनाए हुए सप्तम चक्र में से एक चक्र अभी भी बचा हुआ है, वो अभी भी सक्रिय है। हम उसी चक्र को यहाँ पर तोड़ने के लिए आए हैं। आखिर उसी को तोड़ने के बाद तो हम मेघालय से बाहर निकल पाएंगे और फिर उस जगह पर जा पाएंगे जहाँ से अधूरा काम पूरा होगा। तारा हड़बड़ाहट के साथ अनुराग से पूछती है, अधूरा काम? कैसा अधूरा काम? अनुराग कुछ गुस्से के साथ कहता है, वो काम जो अधूरा रह गया तेरी चालाकी की वजह से, पर वहाँ पर तेरी कोई चालाकी नहीं चलने वाली, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है, मेरा राज, मेरी शक्तियाँ ही वहाँ पर सर्वोपरि है। तारा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग उससे किस चालाकी के बारे में बात कर रहा था, उसने अनुराग के साथ क्या कर दिया था। अगले पल अनुराग अपनी नजरें मेघालय के बॉर्डर पर टिका देता है। अनुराग की आंखों से पीली रोशनी निकलती है। उस रोशनी के निकलते ही जो मेघालय का बॉर्डर था वहाँ पर वो सप्तम चक्र का घेरा दिखने लग जाता है जो चित्रा ने बनाया था। वो सप्तम चक्र के घेरे से हरी रोशनी की दीवार खड़ी होने लग जाती है। देखते ही देखते वो हरी रोशनी की दीवार इतनी ज्यादा ऊपर उठती है कि अनुराग को उस हरी रोशनी की दीवार का अंतिम सिरा नहीं दिख पा रहा था। अनुराग उस हरी रोशनी की दीवार को एकटक देखते हुए कहता है, ये चक्र तो उन छह चक्रों में से सबसे बड़ा और शक्तिशाली लग रहा है, पर ये चक्र भी अब मुझे मेघालय से बाहर निकलने से नहीं रोक सकता। मुझे तारा को लेकर वहां पर जाना ही होगा, मैं इस चक्र को भी तोड़ दूंगा। इतना कहकर अनुराग गुस्से के साथ उस हरी रोशनी की दीवार पर अपना एक मुक्का दे मारता है। जैसे अनुराग का मुक्का वहां पर पड़ता है, एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है और उस हरी रोशनी की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है। उस दरार को देखकर अनुराग हंसने लग जाता है। अनुराग हंसते हुए कहता है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर अनुराग एक के बाद एक उस दीवार को तोड़ने के लिए उस पर मुक्के मारने लग जाता है।
धमाकों की आवाज सुनकर तारा को ये तो समझ आ रहा था कि उसके आसपास बहुत कुछ हो रहा था, पर वहां पर क्या हो रहा था वो कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। इस तरफ मेहंदी पठार में सभी लोग कार्तिक पुजारी की कुटिया में पहुंच चुके थे। कार्तिक पुजारी की कुटिया महादेव मंदिर के पीछे ही थी। कार्तिक पुजारी एक एक करके सभी लोगों की मरहम पट्टी कर रहे थे और उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियों का लेप लगा रहे थे ताकि उनके घाव जल्दी भर जाएं और उन्हें आराम मिले। वर्चस्विनी को कई चोटें भी आई थी और वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि जैसे ही वो जमीन पर लेटी थी वहीं पर सो गई थी। कछुआ उसके पास ही बैठा हुआ था, उसकी गोद में वर्चस्विनी का सिर था और वो बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरे जा रहा था। कायर और बिंदु भी वहीं पर बैठे हुए थे, पर उन दोनों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो एक साथ होकर भी साथ नहीं थे। कायर अभी भी बिंदु से इस बात पर नाराज था कि उसने उसकी बात नहीं मानी और अपराजिता के पेड़ को नष्ट कर दिया। उसी के कारण काला साया वहां झरने के पास आ पाया और तारा को ले गया। इसी वजह से कायर बिंदु से बात नहीं कर रहा था और बिंदु थी कि उससे बात करने में लगी हुई थी और मनाने की कोशिश कर रही थी। अमोदिता भी वहीं थी जिसके पास बल्लू काका और पलक बैठे हुए थे और उसे सहारा दे रहे थे। चटर्जी मायूसी के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। डायना और अभिमन्यु कुटिया के बाहर खड़े हुए थे। डायना ने अपने हाथ में एक अस्त्र पकड़ा हुआ था और दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। लूसी भी उन दोनों के पास ही बैठी हुई थी। डायना उस खामोशी को तोड़ते हुए अभिमन्यु से कहती है, अब क्या होगा अभी? हमने वर्चस्विनी से कह तो दिया कि हम तारा को ढूंढकर वापस ले आएंगे, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा हम तारा को कैसे ढूंढेंगे। अभिमन्यु नम लहजे के साथ ही कहता है, सच कहूं डायना, समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे, पर तुम महादेव पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता। डायना अपने आप को कसूरवार ठहराते हुए कहती है, सारी गलती मेरी ही है। अगर मैंने सही वक्त पर महाडायन को वो हीरा लाकर दे दिया होता तो शायद अब जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होता, महाडायन जिंदा होती। अभिमन्यु बोल पड़ता है, नहीं डायना, सारी गलती तुम्हारी नहीं है, कुछ गलती मेरी भी है। तुम तो बार बार मुझसे वो हीरा मांगने में लगी हुई थी, पर मैंने ही तुम्हें वो नहीं दिया। हमेशा अपने आप से और उस हीरे से दूर करने की सोचता रहा। अभिमन्यु और डायना वहां बैठकर अतीत में की हुई गलतियों पर पछता ही रहे थे कि तभी डायना ने अपने हाथ में जो एकास्त्र पकड़ा हुआ था उसका हीरा चमकने लग जाता है। अभिमन्यु उस हीरे को देखते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है डायना, ये हीरा एकदम से चमक क्यों रहा है? डायना हैरानी के साथ कहती है, पता नहीं अभी। अगले ही पल वो हीरा और जोर जोर से चमकने लग जाता है। तभी डायना को कुछ धमाकों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। डायना अभिमन्यु से कहती है, अभी तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं? अभिमन्यु झट से पलट कर कहता है, नहीं डायना, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। डायना कहती है, पर मुझे दे रही है अभी, और मैं जानती हूँ ये आवाजें किस चीज की हैं। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, तुम क्या बोल रही हो डायना, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डायना अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है, महाडायन हमें छोड़कर भले ही चली गई हो अभी, पर जाने के बाद भी वो हमारे साथ ही हैं। तुम्हें याद है वो सप्तम चक्र जो महाडायन ने बनाए थे? अभिमन्यु हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ वही सप्तम चक्र ना, जो चित्रा आंटी ने उस भक्षानर को ग्रेवयार्ड कोठी में रोकने के लिए बनाए थे, पर युग ने उन्हें तोड़ दिया था जब वो पंचम गांव गया था। डायना पलट कर कहती है, युग ने उन चक्रों को तोड़ा जरूर था अभी, पर उसने बस 6 चक्र तोड़े थे। एक चक्र अभी भी बाकी है जो पूरे मेघालय को बांधे रखे हुए था ताकि वो भक्षानर कभी मेघालय से बाहर नहीं जा पाए। अभिमन्यु डायना की बात को समझते हुए कहता है, मतलब वो भक्षानर अभी मेघालय के अंदर ही है, वो यहाँ से बाहर नहीं गया है तारा को लेकर। डायना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ भी वो भक्षानर अभी यही मेघालय में ही है। इस डायन वंश के हीरे की मदद से मैं महसूस कर सकती हूँ कि कोई सप्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हो ना हो वो भक्षानर ही होगा। मुझे लगता है तारा भी इस वक्त वहीं पर होगी उसके साथ। अभिमन्यु अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए डायना, जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहां पर वो भक्षानर का अंश है, और उस भक्षानर को। इतना कहते हुए अभिमन्यु चुप हो जाता है, उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लग जाती है। अभिमन्यु कुछ परेशान होते हुए कहता है, पर मेघालय तो बहुत बड़ा है डायना, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो भक्षानर सप्तम चक्र को किस हिस्से से तोड़ रहा है? डायना बड़ी गुरूर के साथ कहती है, मैंने कहा ना अभी तुमसे, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कोई सप्तम चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद ये सब इस एकास्त्र में लगे हीरे के कारण हो रहा है, और मैं ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि कोई उस चक्र को पश्चिमी मेघालय की तरफ से तोड़ रहा है, मुझे वहीं से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पश्चिमी मेघालय का बॉर्डर जहाँ पर है वहीं पर अंतिम गांव फूलबारी है, हमें वहीं पर जाना चाहिए, वहीं पर मेघालय असम का बॉर्डर भी है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। डायना अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, अभी मुझे भी यही लगता है,
हम वहीं चलते हैं, मैं यामिनी को भी बुला लेती हूँ। वाचिक जुगनू वहीं पर उड़ रहा था। डायना अपनी शक्तियों से उस वाचिक जुगनू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, यामिनी भक्षानर के अंश का पता चल गया है, वो सप्तम चक्र तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम युग के साथ जल्द से जल्द फुलवारी गांव पहुंचो, मैं और अभी भी वहीं पहुंच रहे हैं। डायना की ये बात कहते ही वो जुगनू अदृश्य हो जाता है, जैसे यामिनी तक वो बात पहुंचाने के बाद वो खुद नष्ट हो गया हो। वो जुगनू वहां से गायब ही हुआ था कि तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम दोनों ही सिर्फ वहां पर नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जब डायना और अभिमन्यु अपनी कुटिया की दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर कछुआ खड़ा हुआ था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अभिमन्यु कहता है, पर कछुआ वहां पर जान का खतरा है। कछुआ कहता है, तो क्या तेरी जान को खतरा नहीं है अभिमन्यु? हम सब एक साथ थे और एक साथ ही उस भक्षानर के अंश से लड़ेंगे। तभी अमोदिता की भी आवाज सुनाई देती है, मैं भी चलूंगी, मुझे भी उस भक्षानर से बदला लेना है, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कछुआ के पीछे पीछे कब अमोदिता वहां पर आ गई थी खुद कछुए को पता नहीं चला था। कछुआ अगले पल बोल पड़ता है, वर्षु के उठने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर वो उठ गई तो वो भी जाने की जिद करने लग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो अब कोई और खतरा मोल ले। वो पहले ही बहुत मुश्किलों से निकल चुकी है, मैं चाहता हूँ जब वो अपनी आंखें खोले तो तारा उसके पास हो, हमें तारा को वापस लाना है। अभिमन्यु कहता है, हाँ चलते हैं, पर पहले पुजारी जी को सब कुछ बता देते हैं, इस तरह उन्हें बिना कुछ बताए जाना ठीक नहीं होगा। अगले ही पल वो सब कुटिया के अंदर जाते हैं और पुजारी जी के साथ सबको सब कुछ बता देते हैं। बस वर्चस्विनी को कुछ पता नहीं चलता है, वो गहरी नींद में सोते रहती है। पुजारी जी भी उनकी बात मान जाते हैं। कायर भी उनके साथ जाने की जिद करता है, पर बिंदु कायर को अपने प्यार की कसम दे देती है और कह देती है कि अगर वो उनके साथ गया तो वो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। इस कारण ना चाहते हुए भी कायर को अपने दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ता है और उसे वहीं पर रुकना पड़ता है। पलक भी अभिमन्यु के साथ चलने का बोलती है, पर अभिमन्यु उसे भी मना कर देता है और पुजारी जी के साथ उनकी कुटिया में रहने को बोलता है। अगले पल डायना एकास्त्र की शक्तियों से एक स्थानांतरण चक्र द्वार बनाती है जो सीधे फुलवारी गांव में खुलता है। उस चक्र के चारों तरफ से हरी रोशनी आग की लौ की तरह निकल रही थी। अभिमन्यु, डायना, अमोदिता और कछुआ चारों उस चक्र के आसपास ही खड़े हुए थे। कछुआ सोई हुई वर्चस्विनी को देखते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ वर्चु, हमारी बेटी तारा को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तारा को वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर कछुआ स्थानांतरण चक्र की तरफ देखने लग जाता है। अभिमन्यु भी कछुआ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम तारा को जरूर लेकर आएंगे। डायना भी अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तारा को वापस लाना ही हमारा मकसद है। अमोदिता भी धीरे से डायना का हाथ पकड़ लेती है। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अगले ही पल स्थानांतरण द्वार के अंदर कूद जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।